सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का अब संत समाज ने भी समर्थन किया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हम सभी संत समाज के गुरु किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए उनके आंदोलन का समर्थन देने के लिए आज गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हम लोग भाकियों के प्रवक्ता राकेश टिकैत को समर्थन घोषणा पत्र भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे किसानों को शक्ति दें। आज किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए राष्ट्र हित में अपना समर्थन किसान आंदोलन को देने के लिए स्वयं आए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करते हैं। अभी यह पत्र आदरणीय राकेश टिकैत जी और उनके साथियों को सौंपेंगे। ये समर्थन पत्र है, महाराज जी के द्वारा उन्हें सौंपा जाएगा। इसी दौरान जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार को हट धर्मिता को छोड़कर किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए। किसान अन्नदाता है, जिस दिन उसे अपना हक मिल जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा और आत्महत्या नहीं करेगा। हट धर्मिता को छोड़कर किसानों के हित में अविलंब निर्णय लेना चाहिए इस तरह की सर्दी में। और किसान अन्नदाता है, जो भी प्रोजेक्ट इस देश में उत्पन्न होते हैं हर व्यक्ति को अपना मूल्य निर्धारित करने की छूट सरकार ने दिया है, तो किसान के उत्पादन का रेट निश्चित करने का अधिकार जिस दिन किसान को मिल जाएगा, किसान भूखा नहीं मरेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए किसानों के हित में अविलंब निर्णय लेना चाहिए, तीनों कानूनों को अविलंब निरस्त किया जाना चाहिए और किसानों के हित में निर्णय लिया जाए। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर संत समाज के तमाम गुरुओं ने किसानों को समर्थन दिया और सरकार से किसानों की मांग पूरी करने का भी आग्रह किया।